फ्रेंड्स, क्या आप 2021 में बिजनेस पे काम करना चाहते हैं? क्या आप 2021 में अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और बिजनेस को नए लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें और कौन सी चीजों पे काम कर सकते हैं? सो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट क्विक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जहाँ पे मैं आपसे 5 एक्शन पॉइंट्स के बारे में शेयर कर रहा हूँ जो आप 2021 में अपने बिजनेस पे अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष उपाध्याय, मैं फ्रीडम बिजनेस कोच हूँ। लोग मुझे ऑटो पायलट बिजनेस कोच भी कहते हैं क्योंकि मैं एक बिजनेस को ऑटो पायलट बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू आप कौन से लेवल पे हैं, फ्रीलांसर हैं, सोलोप्रेनर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, आप जैसे भी हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं आपके बिजनेस को ऑटो पायलट बिजनेस में कन्वर्ट करने। आइए चलते हैं जहां पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। इस साल 2021 में आप कौन सी 5 चीजें आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी साल हमारा शुरुआत हुआ है और आप इस पे कैसे काम करने से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। इसमें से बहुत सारी चीजें आप अभी इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग या प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, है ना। इवन आप हॉलीडेज के दिन भी इस पर काम कर सकते हैं। आइए चलते हैं और बात करते हैं 5 चीजों पे जो आप 2021 में अपने बिजनेस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज है इंक्रीज योर अवेयरनेस। दोस्तों, हम कोई भी चीज तभी बदल पाते हैं जब हम अवेयर हो जाते हैं कि गड़बड़ कहाँ है। गड़बड़ से भी ज्यादा हम अवेयर हो जाते हैं कि एक्चुअली चीज कहाँ है। उदाहरण के लिए, आप एक मशीन के एक पार्ट को साफ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और साफ करके ये कोशिश कर रहे हैं कि मशीन स्मूथली चलना शुरू करे। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि वो पार्ट को साफ करने के बजाय पूरे मशीन का एक अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, पूरे बिजनेस का एक अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। देखिए क्या हो रहा है आपके बिजनेस में, देखिए आपका प्रॉफिट कहां जा रहा है, देखिए आप कितना समय देते हैं, देखिए आपका विजन क्या है, देखिए आपकी टीम क्या है, देखिए आप रिक्रूटमेंट कैसे कर रहे हैं, देखिए लोग आपको ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, देखिए लोग आपको क्यों छोड़ के जा रहे हैं। अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, क्योंकि अगर आपको अवेयरनेस हो जाएगी तो चीजों पे आप काम कर पाओगे। उदाहरण के लिए, आपने ये वीडियो देखने के बाद अपने बिजनेस पे अवेयरनेस क्रिएट करी और आपको पता चला यार सेल्स में प्रॉब्लम, सेल्स के मेल टेलीकॉलिंग के सिस्टम में प्रॉब्लम। जब आप टेलीकॉलिंग सिस्टम में अवेयरनेस आ गया है तो कहीं जा आप उस पर काम कर पाओगे, उस पर आप नई चीजें ढूंढ पाओगे। मैं हर बार अपने कोचिंग में बोलता हूं, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन शर्त यह है क्या आप सॉल्यूशन चाहते हैं क्या, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम पता कीजिए, फिर प्रॉब्लम पता करने के बाद आप सॉल्यूशन पता करें। अवेयरनेस से सिर्फ हरदम प्रॉब्लम ही पता नहीं चलते, अपने स्ट्रेंथ भी क्या है, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है वो भी पता चलते हैं। तो 2021 में जनवरी के महीने में पहले 5-10 दिनों में आप ये एक्सरसाइज पूरी कर लीजिए और पता कीजिए कि आपका बिजनेस में आप अपनी अवेयरनेस क्रिएट कीजिए और पता कीजिए आपके बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट मल्टीपल फंक्शंस कैसे काम करते हैं, कहाँ चैलेंजेस है, कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है। ये पहली चीज आप कर सकते हैं। इस एक्शन के लिए आपको कोई पैसा किसी को नहीं देना है, ना किसी की ट्रेनिंग की जरूरत है, ना किसी को पूछना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे बात जो है वो है इंक्रीज योर सेल। आप बोल रहे हैं सर ये बहुत आसान है क्या सेल बढ़ाना, मैं बोल रहा हूँ आप सेल बढ़ा सकते हैं 2021 में। आप बोलेंगे कैसे, सबसे बढ़िया तरीका है अपने कस्टमर बेस बढ़ाइए, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, अगर कस्टमर बेस नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपनी प्राइस बढ़ाइए, अगर प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं तो नया प्रोडक्ट लाइए, अगर नया प्रोडक्ट नहीं ला सकते तो नए मार्केट में एंटर कीजिए, नए जियोग्राफी में एंटर कीजिए। तो जब आप ये 4 में से कोई एक्शन लेते हैं तो आपका सेल ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू होता है ना। मैं इसको सेल से भी ज्यादा मैं इसको बोलूंगा कि आप अपना टर्नओवर बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जब आप सेल बढ़ाते हैं, कस्टमर बेस बढ़ाते हैं, टर्नओवर बढ़ाते हैं, तो ये भी एक प्लस साइड ग्रोथ है आपके बिजनेस में। आप समझ पा रहे हैं? आप देखिए आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप रीसेल कुछ कर सकते हैं, क्रॉस सेल कुछ कर सकते हैं क्या, देखिए सोचिए, अपने सेल बढ़ाने पे भी आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है।
आपके पास अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपका सबसे ज्यादा सेलेबल है और सबसे कौन सा प्रोडक्ट है जो कम से कम सेल होता है। जो प्रोडक्ट आपका सबसे ज्यादा सेल करता है उसके लिए आप कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जिसके थ्रू आप वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कहते हैं ना मोस्ट हॉट प्रोडक्ट या मोस्ट सेलेबल प्रोडक्ट्स, राइट? तो ये जो चीज है ये आपको मदद करेगी सेल बढ़ाने, ये आप 2021 में कर सकते हैं। अगेन ये स्ट्रेटेजी में भी आपकी कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ना कि आपको कोई एक्सटर्नल स्पीकर या एक्सटर्नल एक्सपर्ट की जरूरत है, ये आप खुद अपना नोटपैड और पेन लेके बैठ सकते हैं। मैंने मेरे इनिशियल इयर्स में बिजनेस में मैं ये अभी भी हम करते हैं, मैंने पहले शुरुआत में जब हम प्रोडक्ट सेल करते तो मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स लिखता था और देखता था किसने कितना सेल किया है ट्रेनिंग के प्रोडक्ट्स में, और हमारे पर्सनल इफेक्टिवनेस या प्रोडक्टिविटी के प्रोग्राम जो मेरे थे इनिशियल ईयर्स में मेरे कंपनी में वो सबसे ज्यादा सेल होते थे, तो मुझे पता चलता था कि ये मेरा हॉट टेक है मेरी कंपनी में, राइट? सो कहने का मतलब यू गॉट टू नो व्हाट आर योर मोस्ट सेलेबल प्रोडक्ट्स, राइट, फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी, फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, एक्शन नंबर 3 पे बात करते हैं, इंक्रीज योर फ्री टाइम। 2021 में दोस्तों आपके बिजनेस में आप अपने लिए समय निकालिए, अपना फ्री टाइम बढ़े। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ समझने की कोशिश की, जब आप फ्री रहते हैं ना तो आप नई चीजें सीख सकते हैं, जब आप फ्री रहते हैं ना तो आप बिजनेस पर काम कर सकते हैं, बिजनेस पर काम कर सकते हैं। जब आप फ्री रहते हैं ना तो आप नए सिस्टम बना सकते हैं, जब आप फ्री रहते हैं ना तो अपने टीम को कोच कर सकते हैं, तो जब आप फ्रीनेस बढ़ाते हैं तो आप बिजनेस के बारे में सोचना शुरू करते हैं। सो बिजीनेस से बिजनेस की तरफ जाइए, और अगर आप मुझसे ये चीज चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो मेरा एक VIP फेसबुक ग्रुप है जिसका नाम है पिक परफॉर्मेंस मास्टर, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जनरली बिजनेस टू बिजनेस में कैसे जाना है वही चीज के लिए मैं कोच करता हूँ। ठीक है, तो आप अपना फ्री टाइम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, अपनी टीम बढ़ाइए। ठीक है, अपनी टीम बढ़ाइए। अब जब मैं टीम बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाने के लिए बोलता हूँ, तो मैक्सिमम जो बिजनेस ओनर है जो शायद छोटे हो सकते हैं जिनके पास 2-3 लोग हैं, वो बोलेंगे सर हम इतना ज्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते, अभी मेरे पास लोगों को हायर करने का पैसा नहीं है, मैं अभी खुद ही काम करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ समझने की कोशिश की, मैं ये चाहता हूँ आपको हैबिट डालें कि काम आपके बगैर भी हो सकता है, भले ही आपको फ्रीलांसर हायर करने पड़े, एसोसिएट्स हायर करने पड़े, है ना, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे आप किसी को काम दे रहे हैं, जैसे रहता है अकाउंटिंग का काम हम किसी को देते हैं कोई थर्ड पार्टी को, वैसे ही आपके बिजनेस के कुछ काम है जो आप किसी को दे सकते हैं, किसी को हायर कर सकते हैं, फ्रीलांसर हायर कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में फ्रीलांसर हायर नहीं कर सकते तो आप कहीं पे भी फ्रीलांसर हायर नहीं कर सकते। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में काफी लोग अवेलेबल हैं काम कराने के लिए, और काम करने के लिए भी काफी लोग अवेलेबल हैं, तो फ्रीलांसर्स हायर कीजिए, एसोसिएट हायर कीजिए, अगर एम्प्लॉय रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, एम्प्लॉय रखिए, लेकिन आदत डालिए कि बिजनेस आपके बगैर भी हो सकता है। हो सकता है आपको लोगों पर इतना ज्यादा ट्रस्ट ना हो, आपको लोगों को डेलीगेट करते ना, काम कैसे उसको दे, लेकिन फिर भी ये साल आपको हैबिट डाल सकते हैं। क्यों क्यों आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप 2021 में कुछ बिजनेस में नया कुछ चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। अगेन स्ट्रेटेजी नंबर 4 में भी आपको कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अंटिल कोई चीज आप सीखना चाहते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं, टीम बिल्डिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है आपको नए पर्सन की जरूरत पड़ेगी, नए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा अगर देखते हैं आप टीम बिल्ड करने के लिए, तो आपको कोई ऐसा कोई बहुत भारी नॉलेज की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं जुड़िए, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में ये चीजें बहुत पोस्ट करता हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, स्ट्रेटेजी नंबर 5, सिस्टम बिल्ड करने पे ज्यादा फोकस कीजिए। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, लोग जो है ना आते जाते रहेंगे, लोग काम करेंगे कभी नहीं करेंगे, कोई आएगा कोई ज्वाइन करेगा कोई छोड़ेगा, ये चलते रहेगा, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, ये चेंज होते रहेगा, सिस्टम कभी चेंज नहीं होता। लोग काम करना बंद कर सकते हैं, सिस्टम काम करना बंद नहीं करता। आप जो भी काम आप खुद कर रहे हैं, जो जो भी काम आपने अपने तरफ लेके रखे हैं एज अ बिजनेस ओनर, आप सोचिए क्या वो काम को आप सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो काम आपके पास से चले जाएंगे, वो काम आपके पास से चले जाएंगे और आप सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। जैसे आप खुद कस्टमर को सर्विस करके पूछते हो, आप कस्टमर को बार बार सर्विस देके कॉल करके पूछते हो कि कैसा रहा प्रोडक्ट, आपको कैसा लगा, या फीडबैक लेने की कोशिश करते हो,
अगर आप इसको नंबर वन लेवल पर ऑटोमेट करना चाहते हैं, एक गूगल फॉर्म बना सकते हैं और वो फीडबैक फॉर्म आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। वो जैसे ही सब्मिट करता है उसके साथ आपको नेम ईमेल आईडी भी आ जाएगी, आप व्हाट्सएप पे शेयर करें। अगर आप कॉलिंग के थ्रू पूछना चाहते हैं तो एक एग्जीक्यूटिव, कोई लेडी एग्जीक्यूटिव तो बिठा दीजिए और उसको नंबर दे दीजिए, वो कॉलिंग करेगी और आपको अपडेट देते जाएंगे। उनको फॉर्मेट दे दीजिए कि किस फॉर्मेट में उनको बात करना है और क्या उनसे पूछना है, क्या होता है। अगर कोई डाउटफुल लगता है तो आप रिकॉर्डिंग या कॉल ट्रैक हिस्ट्री में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप सिस्टम बिल्ड कर सकते, मैंने बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है, आप बहुत अलग अलग सिस्टम से बिल्ड कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को। और एक चीज़ बोल रहा हूँ, सिस्टम्स छोटे बिजनेस में भी बिल्ड किए जाते हैं। मैक्सिमम जो छोटे बिजनेसेस हैं वो क्या सोचते हैं, एमएसएमईज और एसएमईज, कि सिस्टम्स है ना कॉर्पोरेट के लिए। मैं आपको बोलूँ सच्चाई, सिस्टम कॉर्पोरेट्स में बिल्ड करना और अप्लाई करना इट्स बिट डिफिकल्ट, क्योंकि बड़ा साइज हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। छोटे लेवल पर बहुत आसान है, एक रहता है ना छोटे बच्चे को हम जो आदत सिखाते हैं वो जिंदगी भर कैरी करता है, वैसा ही छोटे बिजनेस में कुछ हैबिट डालना, कुछ पैटर्न सेट करना, इट्स वेरी इजी। सो सिस्टम्स डिसिप्लिन ये आप बिजनेस में बिल्ड कीजिए 2021 में, 2021 में ये कीजिए, ताकि आप बिजनेस को स्केलेबल कर सकें। अगर आप बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर सकते तो स्केलेबल भी नहीं कर सकते। यही 5 एक्शन पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जो आप 2021 में आप ऑनलाइन कर सकते। दोस्तों अगर आप बिजनेस को वैसे ही कर रहे हैं ना जैसे 2020 में कर रहे थे, तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो 2020 में मिलेंगे। अगर 2021 में नए रिजल्ट्स चाहते हैं तो 2021 में कुछ नया क्या करना पड़ेगा। आपको इस वीडियो से सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा कमेंट कीजिए, अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे कमेंट कीजिए। साथ में अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि ये किसी को वीडियो दिखाना चाहिए ताकि उनका फायदा हो, तो अपने फ्रेंड्स को टैग कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसे वैल्यूएबल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्टेंट मुझसे सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजीज लर्न करना चाहते हैं, तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।